नमस्कार, IN7 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं सैलेन पारसर। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश सोलर पंप योजना की। अब ऑनलाइन सीधे मिलेगा इस योजना के लिए मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार की विगत माह में हुई मीटिंग में, जहां सोलर पंप योजना के माध्यम से बिजली की बचत और साथ ही साथ किसानों को बिजली के भारी भरकम बिलों से मुक्ति के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया। मध्य प्रदेश सोलर पंप योजना के लिए आवेदन के लिए किसान, यहाँ वह किसान इसमें आवेदन कर सकते हैं जो कि सीए तौर पर उनके पास पंप और पुराने पूर्व में किसी योजना का लाभ पंप के तहत नहीं लिया गया हो। इस योजना के लिए मध्य प्रदेश सोलर पंप योजना 2021 में उन किसानों को प्राथमिकता दी गई है जहां विद्युत कंपनियों के वाणिज्य कर की हानि अधिक है एवं ट्रांसफार्मर हटा लिए गए हैं, जहां खेत की दूरी बिजली की लाइन से 300 मीटर से अधिक है, नदी बांध के समीप ऐसे स्थान हो जहां पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो एवं फसलों के चयन के कारण जहां वाटर पंपिंग की आवश्यकता रहती है, ऐसे डीजल पंप के स्थान पर सरकार द्वारा खेत की सिंचाई सोलर पंप योजना की का शुभारंभ किया गया। कैबिनेट की बैठक में कुछ अहम फैसला लेते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन क्षेत्रों में सोलर पंप की स्थापना को प्राथमिकता दी है जहां पर बिजली की पहुंच नहीं है और न ही किसान के पास सिंचाई हेतु व्यवस्था है। इस योजना का लाभ सीधे तौर पर ऑनलाइन के माध्यम से भी ले सकते हैं। वह किसान इसका लाभ ले सकते हैं जिन्होंने अनुदान को छोड़कर बिजली के पंप को हटवा देते हैं, तो किसान सोलर पंप के लिए अनुदान प्रदान किया जाएगा। इसके तहत किसान सीए तौर पर आवेदन की राशि ऑनलाइन के माध्यम से कर सकते हैं। ऑनलाइन के लिए cmssolarpump.mp.government.in के माध्यम से किसान सीए तौर पर आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि राज्य के किसानों के डीजल पंप की सहायता से खेतों की सिंचाई की जाती है, काफ़ी खर्च हो जाता है डीजल के उपयोग में। पंप द्वारा सिंचाई करने से प्रदूषण भी काफ़ी फैलता है। इन तमाम समस्याओं को देखते हुए MP के किसानों को खेती के लिए सिंचाई उपलब्ध कराना सोलर पंप योजना के माध्यम से करवाई जाएगी, जिससे वह सिंचाई कर सकेंगे और सब्सिडी दर पर सोलर पंप उपलब्ध हो पाएगा। स्कीम पर दिए सब्सिडी और तमाम प्रकार की योजना का लाभ कैसे लें आप देख सकते हैं। साथ ही इस योजना के अंतर्गत राज्य के किसानों को निःशुल्क सोलर पंप प्रदान किए जाएंगे। राज्य के जिन क्षेत्रों में ऊर्जा वितरण कंपनी द्वारा बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था नहीं की गई, जिसके कारण सिंचाई हेतु बिजली की अस्थायी कनेक्शन की व्यवस्था करनी पड़ती थी, उसको देखते हुए ऐसे ग्रामीणों के क्षेत्र में बिजली पहुँचाने 300 मीटर दूरी पर ये बांध न होने, तमाम असुविधा को देखते हुए इस योजना का लाभ दिया गया। आवेदक द्वारा मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना जरूरी है। आवेदन के पास किसान कार्ड, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, खेती योग्य भूमि के कागज, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज की फ़ोटो आवेदन में लगेंगी। मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के नियम एवं निर्देश के अनुसार केवल वह किसान इसके लिए आवेदन कर सकते हैं जिनके पास केवल सिंचाई के लिए किया जाए पंप का, कोई भी पंप को बेच नहीं सकता। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के लिए स्थापना सहमति भी जरूरी है। मध्य प्रदेश विकास निगम लिमिटेड की आवेदन राशि एवं राशि जमा करनी पड़ेगी। सोलर पंप की उपयोग सिंचाई के लिए किया गया है। इस पंप का रख रखाव और तमाम प्रकार के टूट फूट, चोरी इत्यादि का जिम्मेदारी किसान की ही होगी। आवेदक द्वारा विद्युत पंप संचालित नहीं होना चाहिए। यदि विद्युत पंप खसरे पर पहले से लगा है तो इस स्थिति में आवेदक को विद्युत पंप कनेक्शन को रद्द कर दिया जाएगा। आवेदन के पश्चात यदि आवेदक का मोबाइल नंबर बदल जाता है तो इस बात की जानकारी आवेदक द्वारा मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम में प्रदान करनी होगी। सोलर पंप की स्थापना के लिए छाया
रहित स्थान उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी आवेदक की होगी। सांसद आवेदक द्वारा निर्धारित आवेदन के साथ 5,000 की राशि मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम के पक्ष में देनी होगी। यदि यह राशि नहीं प्रदान की जाती है तो आवेदन निरस्त किया कर दिया जाता है। आवेदन का चयन नहीं किया जाता है और 5,000 की राशि के बिना किसी ब्याज के आवेदक को वापस कर दी जाएगी। 120 दिन के अंदर इस योजना का लाभ किसान ले सकते हैं। सोलर पंप की स्थापना कार्य में देरी होने और मध्य प्रदेश ऊर्जा कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। सोलर पंप की स्थापना के लिए पंप लाभार्थी किसानों को प्रदान किए जाने पंप बोर्ड संबंधित जानकारी दी जाएगी। किसी भी प्रकार की टूट फूट चोरी आदि 3 दिन में उसकी FIR दर्ज करवानी होगी। लाभार्थियों के लिए मुख्यालय सर्विस सेंटर व मोबाइल नंबर दिए जाएंगे। आपको नवीन आवेदन करने के लिए ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस ऑप्शन पर क्लिक कर आप सीधे तौर पर योजना का लाभ ले सकते हैं। आवेदक का नाम, जिला, तहसील, गांव आदि सभी जानकारी भरनी होगी। सभी जानकारी भरने के बाद आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना होगा। फिर एक बार सामान्य जानकारी के साथ आपको स्क्रीन पर दिए पूरी डिटेल को पढ़कर फॉर्म भरना होगा। सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए आप बन रही INCB न्यूज़ के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि अन्य योजनाओं की भी जानकारी हम आप तक पहुँचाते रहें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।